हे गाइस, दिस इज खुराफाती व्यूज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं 608 लाइटर पिस्टल की अनबॉक्सिंग, जो कि रखा हुआ यहां हमारे सामने। तो गाइस, चलिए करते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमको क्या क्या यहां पे मिल जाता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के बॉक्स में मिलता है 608 लेथर मशीन, और यहाँ पे लिखा हुआ लाइटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ मेड इन चाइना। पीछे में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 608 लेथर मशीन, और इस साइड में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। तो गाइस, चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमको अंदर में क्या क्या मिल जाता है। मैंने लगाया कट और आजा भाई बाहर। तो गाइस, एक यहाँ पे हमको मिला है कवर और एक पिस्टल। तो गाइस, यहाँ पे हमको मिल जाता है ये कवर, सिंपल सा कवर है, इसको हम देख लेते हैं पहले। साइज ज़्यादा बड़ा नहीं, पिस्टल के साइज का है नॉर्मली, और क्वालिटी भी अच्छी है, आप देख सकते हैं। लेदर फिनिश के साथ आपको मिलेगा, बेल्ट वगैरह में लगा के आप रख सकते हैं। यहाँ पे इस साइड से आपको ऐसा मिल जाएगा। और गाइस, अब आते हैं पिस्टल की तरफ। गाइस, इस तरह की पिस्टल आपको मिलने वाली है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है गाइस कि ये फुल्ली मेटल है, कहीं से भी प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक सिर्फ आपको मिलेगा ये थोड़ा सा ग्रिप में, जो यहाँ आप देख सकते हैं, जो थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ ब्लैक कलर का, सिर्फ यही प्लास्टिक है और कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं है। अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, कहीं जहाँ से भी आप देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं चाइना में बना हुआ है, मेड इन चाइना आपको दिख रही होगी, और चाइनीज़ कंपनी है जिसका यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ और JC लिखा हुआ है। गाइस, इसमें भी ये जो फीचर आपको दिख रहे हैं सिंगल डबल एक्शन का, जो रियल पिस्टल में होता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। डिज़ाइन जैसा रियल का होता है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये जो फीचर्स हैं ये सारे के सारे वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ आपका यहाँ पे ट्रिगर वर्क करता है। और ये इसका हैमर है गाइस, पीछे इसको कर सकते हैं आप, और पुल बैक का भी ऑप्शन है इसमें, पूरी पीछे नहीं जाती है, कुछ इस तरह से पीछे जाएगी ये, और देन आप फायर करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। ये इसका हैमर है, और फिनिशिंग आप देखेंगे गाइस, पूरा का पूरा क्रोम फिनिश है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि लो क्वालिटी की पिस्टल है या बच्चों का खिलौना है। गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। गाइस, मैंने इसको पर्सनली एक दिन यूज़ किया, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और ये गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये लाइटर है, तो यहाँ से आप जितनी बार चाहें, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार 100 बार, आप इसको अगेन अगेन फिल कर सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसको फिल कर सकते हैं। और इस साइड में भी देखिए गाइस, इस साइड में भी सिंपली यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है और फुल्ली मेटल है। हम इसकी वेट की बात करें तो तकरीबन मुझे लग रहा है 500 ग्राम के आसपास होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, फिर आपको बताता हूँ, सिंपली पुल बैक करना है और फायर करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें फ्लेम तो निकलता है, शायद आपको दिखे, क्योंकि हम दिन के समय शूट करने तो शायद दिख जाए, दिख नहीं रहा है। गाइस, में जो है कभी रेड कलर का, कभी ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है, और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है गाइस। कहीं पे भी प्लास्टिक मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मैंने बताया सिर्फ यहाँ पे प्लास्टिक है, इसके यहाँ पे प्लास्टिक है, और साइज़ काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी साइज़। मैं यहाँ पे हाथ में पकड़ रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं मेरा ये जो ग्रिप को काफ़ी कवर कर रहे रहा अच्छे से, और छोटा नहीं है ये, साइज़ काफ़ी बड़ा है इसका। आप देखिए, पहले जो लाइटर्स आती थी काफ़ी छोटी आती थी, उनको आप पकड़ते थे हाथ में तो लगता था बिल्कुल बच्चों की तरह लाइटर है, लेकिन ये जो है काफ़ी बड़ी साइज की है, क्वालिटी अच्छी है, और हैमर वगैरह भी वर्क करता है इसका, आप रिफिल कर सकते हैं। क्रोम के फिनिशिंग दी गई है, सबसे अच्छी बात है। इसके साथ यहाँ पे आपको कवर मिल जाता है जिसके साथ आप इसको रख सकते हैं। अब देखिए गाइस, मैं इसको आपको क्लोजअप व्यू देता हूँ एक। तो गाइस, अगर आप इस लाइटर को बाय करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।